स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एकेडमी के इस नए लेटेस्ट और बहुत ही मजेदार वीडियो में। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और पावरफुल साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। जी हाँ, ये सरप्राइज ये है कि अभी तक जो विद्यार्थी क्लास टेंथ के वो विद्यार्थी जो बिहार बोर्ड एग्जाम देने के लिए 2025 में अभी तक उनकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो अब उनको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो मान के चलो कि रेस में तो है, लेकिन उनकी तैयारी बिल्कुल बेकार है, बहुत घटिया है। मतलब एक भी प्रश्न का उत्तर उन्हें याद नहीं है, और किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे उनको 1% भी अनुभव नहीं है। यहाँ पर पूरा का पूरा आपको अनुभव हो जाने वाला है कि आयोग के तरफ से किस टाइप का फरवरी में आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और कौन से प्रश्न आएगा। पूरा 100% श्योर हो जाइए कि ये टॉप 35 क्वेश्चन जो मैं गेस करा रहा हूं ना, ये बस कुछ नहीं, बस ये क्वेश्चन का आंसर याद कर लीजिए, मैं कर रहा ना, आपकी नैया पार हो जाएगी। क्या आपकी नैया पार हो जाएगी? आप फेल तो होंगे ही नहीं, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है मेरे भाई। आप समझने की कोशिश करो, बिलीव ऑन मी, ज्ञापन एकेडमी हमेशा जो है ना कुछ सरप्राइज करते रहता है, और इसी सरप्राइज के चक्कर में आप सभी विद्यार्थी बड़े इंतज़ार में बैठे होते हैं। तो हम लोग भी सोचते हैं कि बड़े ही मतलब उत्साह और उमंग के साथ हमारे सभी सब्सक्राइबर व्यूअर जितने भी हैं हमारे लर्नर और जो भी यहां से ऑनलाइन मतलब मान के चलो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उम्मीद के साथ जो है ना ज्ञापन एकेडमी कि हर एक वीडियो को इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि कब कोई सरप्राइजिंग वीडियो आएगा। तो हम लोग भी आपके लिए बहुत कुछ सोचते हैं, और सोचने के बाद देखिए थोड़ा सा मान के चलिए कि वीडियो अल्टरनेटली आता है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो भी वीडियो आता है ना बहुत ही ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होता है। आज के इस वीडियो में हम पूरा का पूरा टॉप 35 क्वेश्चन साइंस का बताने वाले हैं। जो टॉप 35 क्वेश्चन का आंसर अगर आप याद करके जाते हैं ना, तो आपको बोर्ड एग्जाम में 1% भी टेंशन नहीं होने वाला है। जो 1% कहा जाता है ना, 1% एक बाल बराबर भी आपको डर नहीं लगने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी से फंस जाने वाला है। अभी तक आपकी तैयारी 1% भी नहीं हुई है ना, बस आपको घबराने की जरूरत नहीं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं ना कि बिना पढ़े पास कैसे हों, बड़ा सर्च करते हैं। तो मैं सच कह रहा हूं ना कि बिना पढ़े तो खैर ये तो संभव है नहीं, बिना पढ़े कैसे कोई पास हो सकता है यार। कम से कम कुछ तो समय देना पड़ेगा ना। मान के चलो कि विरासत में मिली हुई चीज़ तो ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, और विरासत में जल्दी कोई चीज़ मिलती भी नहीं है, और मिल भी जाता है तो टिकता नहीं है। तो मान के चलो कि विरासत में सर्टिफिकेट लेना चाहते हो घूस घास से, नहीं अब ये ज़माना है ही नहीं है। अभी आपको मैं सच बता रहा हूँ, अभी जो एग्ज़ाम आयोग की तरफ से कंडक्ट होने वाला है ना, ये पूरा ड्रोन कैमरा से आपके एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा। तो अब आपकी तैयारी अगर अभी से मजबूत नहीं होगी ना, देखिए मैं अगर चाहता तो इसको 1 महीना पहले भी क्वेश्चन को सर्कुलेट कर सकता था, इस क्वेश्चन को टॉप 35 क्वेश्चन को मैं गेस करके 1 महीना पहले बताता, लेकिन नहीं, मैं सोचा कि अगर जो वैसे विद्यार्थी जो बिल्कुल लेजी है, बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते हैं, अब उन्हें घबराने की जरूरत नहीं, जिसकी बिल्कुल साइंस में तैयारी है ही नहीं उसको घबराने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मात्र 35 डेज में 35 क्वेश्चन का ही आंसर याद करना है 35 दिन, और आपका एग्जाम भी मान के चलिए अभी ये नवंबर चल रहा है, दिसंबर पूरा बाकी है, जनवरी पूरा बाकी है, फरवरी का आधा में एग्जाम शुरू होगा। तो मान के चलिए 2 महीना कुल मिला जुला कर पूरे दिन को जोड़ दीजिए तो 2 महीना आराम से है, 60 दिन है आपके पास, लेकिन ये 35 डेज हम मांग रहे हैं आपसे। साइंस में 35 डेज डेली एक प्रश्न का उत्तर याद कर लीजिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। मैं कह रहा हूं ना कि एक भी साइंस का प्रश्न नहीं छूटेगा, एक भी। आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े ना, बस आप इस 35 क्वेश्चन को याद करके जाइए, आपका बेरा पार हो जाएगा, आपका नैया पार हो जाएगा। ये 35 क्वेश्चन कौन कौन है देखिए, मैं क्वेश्चन आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा, अगर आप कमेंट करेंगे ना तो पूरा का पूरा इसका आंसर के साथ माने पूरे प्रश्न का उत्तर बना करके उत्तर सहित वीडियो आपके बीच हम शेयर कर देंगे, लेकिन अब आप कमेंट करेंगे तब। लेकिन देखिए प्रश्न क्या है, सुनिएगा ध्यान से, यहां पर देखेंगे मस्ट बीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉप 35, मतलब आपको इससे ज्यादा क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है। अभी तक आपकी तैयारी बिल्कुल बेकार है, एकदम बदतर है, एकदम घटिया है, अभी तक आप पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं हुए होंगे, तो आप सीरियस हो जाइए कम से कम 35 डेज में, पूरा लगन वगन में घूम घाम के भी अगर एक दिन भर में एक प्रश्न का उत्तर याद कीजिए, मतलब भोंदू से भोंदू स्टूडेंट भी एक प्रश्न का उत्तर याद कर ही लेगा। अगर एक दिन में एक प्रश्न का उत्तर याद करते ना मेरे बाबू, सच कह रहा हूँ आपकी नैया पार हो जाएगी, आपका बेरा पार हो जाएगा। देखिएगा
पहला प्रश्न है रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इस टाइप का प्रश्न आएगा, या आप इसका उत्तर याद कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न देखिएगा, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम माने क्या बताएं। देखिए इसमें हम नहीं कहेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये माने ये जितना भी है ना, मैंने पूरा साइंस से हम जो है ना फिल्टर करके 35 क्वेश्चन को ला दिए हैं, जो आयोग की तरफ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और अगले बार भी पूछा जाएगा। यकीन नहीं है ना, तो आप कह रहे ना, आप इसको याद करके जाइए, मैं सच कह रहा हूँ ना। आप आएंगे तो इसी वीडियो में आकर के कमेंट करेंगे, सर आपने जो बताया हमारा बेरा पार हो गया। सुनिएगा ध्यान से, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। तीसरा प्रश्न क्या है मेरे बाबू, संतुलित तथा असंतुलित रासायनिक समीकरण, इसको ध्यान में रखिएगा। चौथा नंबर प्रश्न क्या है, किसी पदार्थ, सुनिएगा ये क्वेश्चन पूछता है, किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है, किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है, तो बताइए पदार्थ एक्स का नाम क्या है। अगर उसका रासायनिक सूत्र पता है तो लिख दीजिए, और उसके बाद से उस रासायनिक सूत्र को यानी एक्स को जल के साथ अभिक्रिया करा दीजिए, ठीक है ना। बस यही चीज लिखना है, आपका मिल जाएगा नंबर। पांचवा नंबर प्रश्न क्या है कि अभिक्रिया के सभी प्रकार को लिखना है। सुनिए, अभिक्रिया के सभी प्रकार को, या अभिक्रिया के सभी प्रकार पर अगर आप कमांड कर लेते हैं, जैसे उसमें क्षेपी अभिक्रिया, उसमें शोषी अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, ये होता है, मतलब अभिक्रिया के सभी प्रकार, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना, विस्थापन अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी अभिक्रिया के सभी प्रकार, मतलब मैं एक ही बार लिख दिया हूँ, ठीक है ना। तो अभिक्रिया के सभी प्रकार पर आप कमांड कर लीजिएगा। अगर आप अभिक्रिया के सभी प्रकार को याद कर लेते हैं ना, तो अभिक्रिया के प्रकार से रिलेटेड कोई भी प्रश्न उठा देगा, आप आंसर लगा के आओगे, ठीक है ना। यहां सुनिएगा, छह नंबर प्रश्न, ठीक है ना, बेकिंग सोडा, धुआं सोडा तथा प्लास्टिक। अच्छा देखिए, छह के बाद मैं नौ नंबर पर आ गया हूं। आप कहेंगे क्या कि सर हमको तो ऐसा लग रहा है कि आपको छह के बाद सात और आठ लिखना भूल गए हैं, बट ऐसा नहीं है मेरे बाबू। छह के बाद मैं नौ इसलिए लिखा हूं कि छह के बाद, यहां देखिए छह नंबर प्रश्न ये हो गया बेकिंग सोडा का, ठीक है ना, बेकिंग सोडा बनाने की विधि हो गया, चाहे धुआं सोडा बनाने की विधि या प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, ये इस टाइप का एक प्रश्न जरूर पूछता है मेरे बाबू, इसको याद कर लीजिएगा। नौ नंबर प्रश्न की बात करते हैं, देखिए छः के बाद ये छः हो गया, ये सात हो गया, ये आठ हो गया, तो अब नौवा नंबर प्रश्न आइए, धातु और अधातु के बारे में पूरा समझ लीजिएगा। धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, धातु अधातु में अंतर क्या है, ये किसी भी प्रकार का लपेट के क्वेश्चन पूछ देगा, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। दस नंबर प्रश्न की बात करते हैं, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, इस टाइप के भी प्रश्न पूछ देता है मेरे बाबू, इसको भी याद कर लीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिएगा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, जैसे मान के चलिए CaCO3 और बोलेगा कि बताइए इसका क्या नाम है, तो आप कैल्शियम कार्बोनेट अगर आप जानेंगे तो मान के चलिए कि नामकरण करने को मैं सिखाया हूँ, खुद केमिस्ट्री पढ़ाया हूँ, अगर नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा देख लीजिएगा मेरे बाबू, उस वीडियो को देख करके जाइए, थोड़ा सा समय का डेडिकेशन कीजिए, समय का डेडिकेशन करेंगे तभी तो जाकर के आपका रिजल्ट बनेगा ना। तो यहाँ पर मान के चलिए कि थोड़ा सा मान के चलिए कि अगर लेजीपन आएगी तब तो भाई रिजल्ट खराब हो सकता है। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चन एकदम 100% आता है। 12 नंबर का देखिए, साबुनीकरण अभिक्रिया क्या है, ये भी क्वेश्चन मैं क्या बताऊं यार, आपको देख करके लग गया होगा कि अबाज सर ने क्या गजब का क्वेश्चन गेस किए हैं, ठीक है ना। ये अगर आप याद कर लेते हो ना इन सारे प्रश्नों का उत्तर, मैं सच कह रहा हूं ना, 80 नंबर का एग्जाम आपको देना है। 80 में 40 गो सब्जेक्टिव रहेगा और 40 गो, समझिएगा, 40 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी कि पूरा का पूरा यहीं से क्लियर हो जाना है। मैं सच कह रहा हूं यार, यकीन करो, बिलीव ऑन मी। यहां पर देखिए 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, यहां पर देखिए 12 के बाद 13, पाचन तंत्र से रिलेटेड पूरा का पूरा स्टडी कर लिए, पाचन तंत्र क्या है, पाचन तंत्र के डायग्राम वगैरह बनाने को सीख लीजिएगा, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन रहता है, उसके बारे में व्याख्या करने को भी पूछ देता है। 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, मानव आंख, मानव नेत्र, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, मानव नेत्र क्या है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है। मानव उत्सर्जन तंत्र क्या है, उत्सर्जित अंग क्या है, इससे रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तो मैं तो लिख ही दिया हूं, मानव उत्सर्जन तंत्र क्या है ये भी पूछ देगा। 16 नंबर प्रश्न देखिएगा, श्वसन तंत्र से रिलेटेड आप पूरा का पूरा स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद से है 17 नंबर, देखिएगा 17 नंबर, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन की बात कह रहे हैं, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन के बारे में फुल स्टडी कर लीजिएगा, मैं पढ़ाया हूं उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है ना, ऑलरेडी बायोलॉजी का प्लेलिस्ट बना हुआ है आप देख सकते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखिएगा, मानव हृदय, मानव हृदय ह्यूमन हार्ट के बारे में भी पूरा का पूरा फुल हम पढ़ाए हैं, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप कहिएगा तो मैं सबका उत्तर लिख कर दे दूंगा,
मतलब इकट्ठा आपको एक वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट पूरा का पूरा आंसर हम आपके बीच शेयर कर देंगे एकदम इकट्ठा, पूरे 35 क्वेश्चन का आंसर मैं बता दूंगा, ठीक है ना, अगर आप कमेंट करेंगे तो। 18 नंबर प्रश्न समझ गए। 19 नंबर प्रश्न देखिएगा, मानव लैंगिक जनन के बारे में क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। 20वां नंबर प्रश्न देखिए, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है, इसकी क्या क्रिया प्रक्रिया है, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा। 21 नंबर प्रश्न देख लीजिए, पुष्पी संरचना यानी पुष्पी पादप की जो संरचना होती है, ठीक है ना, ये सारे के सारे जैसे मान के चलिए कि उसमें पुमांग पुंकेसर वगैरह होता है, ठीक है ना, बीजांड वगैरह होता है ना, ये सब चीज़ें मतलब मान के चलिए कि नोमिनी कल्चर के साथ मान पूरा का पूरा नामकरण के साथ पुष्पी संरचना बनाना है, तो इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन रहता है। 22 नंबर देखेंगे, डीएनए तथा आरएनए में अंतर भी पूछ देता है मेरे भाई, डीएनए तथा आरएनए में। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे, मानव मस्तिष्क ह्यूमन ब्रेन के बारे में क्वेश्चन आ जाएगा, एकदम आएगा ही आएगा। यहाँ देखिए 24 नंबर तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर देखिएगा 25 नंबर की बात करते हैं, लिंग निर्धारण प्रक्रिया है, किसी का लिंग निर्धारण कैसे होता है, कैसे मालूम चलेगा कि लड़का होगा कि लड़की होगा, ये सब चीज़ मैं बताया हूँ, सब कुछ पढ़ाया हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 26 नंबर, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, अपवर्तन का नियम क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या, अगर इस पर कमांड है तो आपकी बेरा पार है। यहाँ पर देखिएगा 27 नंबर प्रश्न देखिएगा, अवतल तथा उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब के बारे में भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव पूछ सकता है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण भी पूछ सकता है, उससे बना प्रतिबिंब के बारे में पूछ सकता है, उसके बारे में व्याख्या भी पूछ सकता है, उसका सचित्र वर्णन करके उसके बारे में भी खूब बढ़िया ढंग से पूछ सकता है, ठीक है ना। 28 नंबर के बारे में देखिएगा, लेंस से प्रतिबिंब है, लेंस उत्तल लेंस अवतल लेंस है ना, ये सब मान के चलिए कि उत्तल अवतल दोनों को एक साथ मिला करके लेंस प्रतिबिंब का निर्माण पूछ सकता है, लेंस उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब के बारे में पूछ सकता है, ठीक है ना। जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका सचित्र वर्णन करके माने पूरा बढ़िया से लेंस बना करके उत्तल लेंस या अवतल लेंस में जिस तरीके से पूछेगा उस तरीके से आपको लेंस के बारे में पूरा का पूरा नॉलेज होना चाहिए, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन रहेगा। 29 नंबर की बात करें तो मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के बारे में पूछेगा, मेंडल भाई बहुत फेमस आदमी है, ठीक है ना, बायोलॉजी में मेंडल के बारे में जरूर ही पूछता है। 30 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, दृष्टि दोष इसमें सभी प्रकार के मतलब पूछ सकता है, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, सभी प्रकारों के व्याख्या करें, दृष्टि में दोष जो होता है ना, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, अंधविद्युक्ता वगैरह के बारे में जो भी क्वेश्चन है आपसे, या मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कर दृष्टि दोष के बारे में भी पूछ सकता है, समझिएगा। यहां देखिएगा 31 नंबर प्रश्न की बात करें, 31 नंबर प्रश्न की बात करें तो ओम का नियम तथा सत्यापन, ओम का नियम और उसके सत्यापन करने का भी क्वेश्चन आ जाता है। 32 नंबर प्रश्न की बात करें तो विद्युत धारा तथा प्रतिरोध, विद्युत धारा क्या है, प्रतिरोध क्या है, इससे रिगार्डिंग और इसके सूत्र भी पूछ सकता है। 33 नंबर की बात करें तो समांतर क्रम तथा श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, इसके बारे में तो बड़ी ही इत्मीनान से क्वेश्चन और उसका बहुत ही बढ़िया से जो है ना, समांतर क्रम संयोजन कैसे होता है, श्रेणी क्रम अलग अलग भी पूछ सकता है या एक में पूछ सकता है। 34 नंबर प्रश्न की बात करें तो चुंबकीय बल रेखाएँ क्या है, ठीक है ना, ये भी पूछ सकता है। और अंत में 35 नंबर, फ्लेमिंग का दाएं हो चाहे बाएं हो, किसी भी दाया बाया कोनो भी हस्त का नियम पूछ सकता है। तो मेरे भाई ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा कि नहीं लगा, सच बताना कि इंफॉर्मेटिव है कि नहीं है। अगर काफ़ी यूजफुल और इंफॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट में इस बात को जरूर लिख देना कि सर रियली ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव और लाजवाब है। सच कहूँ तो ये वीडियो इंफॉर्मेटिव इसलिए है क्योंकि ये 35 क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हैं ना तो आने वाला जो आपका बोर्ड एग्जाम जो क्लास 10th का आप जो तैयारी में है ना, जो आपकी बिल्कुल ही तैयारी नहीं है, आप यकीन मानिए मेरे बाबू, आप जब फरवरी में एग्जाम देने के लिए जाएंगे ना तो इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, जो पूछा जाएगा 35 क्वेश्चन के अंदर ही अंदर आपको इसी से प्रश्न फंसने वाले हैं, पूरा के पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से आने वाला है, मैं सच कह रहा हूं, इस बात पर थोड़ा सा विश्वास कर लो मेरे भाई। अगर आपकी बिल्कुल ही तैयारी नहीं है तो बस ये 35 क्वेश्चन की तैयारी कर लो, जाओ, आपकी बेरा पार है, आपकी नैया पार है। कंग्रेचुलेशन आप सभी विद्यार्थियों के लिए कि ये 35 क्वेश्चन का आंसर याद करके जाएंगे। अगर आपको इसका आंसर नहीं मिला तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं इसका आंसर भी तैयार करके आपके बीच शेयर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद।